अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम मुझे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल मटी ब्लॉग्स। वैसे आज आपको सियालकोट एक सियालकोट की बहुत ही एक पाक जगह, तारीखी जगह पर लेकर आए हैं मुझे वही इमाम साहब सरकार दरबार। तो हम भी ज्यारत करेंगे और साथ साथ आप भी ज्यारत कीजिए। सो दुआ में हमें भी याद रखिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो भी अल्लाह के बुजुर्ग हैं उनकी ज्यारत कीजिए जो सुपुर्द हक हुए हैं। देख सकते हैं आप, ये भी मज़ार बने हैं छोटे छोटे, और इनका मुझे बारे में इतना इलम नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी दुआ करें, ये भी अल्लाह के नेक बंदों के ही हैं मज़ार। और इब्रार घूम रहा है। हाँ इब्रार, क्या पढ़े हो। और यहाँ भी लिखा हुआ है SOP, मास्क और फासला रखें। और मैं 2-3 साल बाद आया हूँ आप सब दरबार पर। चलो इधर सलाम करें। ये बहुत ही खास थे इमाम साहब वाली सरकार के, उनका ये मज़ार है। सो जाते हुए उल्टे पाँव भी जाना चाहिए मज़ार में से। हमारे इमाम साहब अली हक सरकार जो सियालकोट के बहुत ही मशहूर हस्ती हैं, जो दरबार है ये शहाबपुरा में हाजीपुरा थाना है उसके करीब। सो इसलिए मैंने सोचा आपके लिए, तमाम मुसलमान भाई के लिए जो प्रदेश में है, जो हम ज़्यारत के लिए उनकी अपने इसकी वीडियो बना रहा हूँ डिटेल में, आप सब भी ज़्यारत कीजिए। अच्छा, साइड पर रोड पर बैठती हूँ, आई साइड पर रोड पर बैठती हूँ, साइड पर हमें जाने की। मस्जिद हाँ, मस्जिद है ना बड़ा। हाँ नहीं नहीं, मैं मस्जिद बनाई हुई हूँ, जान मस्जिद पड़े हुए हैं। हाँ और अब जो इमाम साहब की सरकार के खास जो एक आदमी जो उनके कबूतरों को दाना डालते हैं उनके मज़ार पर चलते हैं, वो तो कहते हैं कि उनके मज़ार से ना होकर जाए तो वो भी अच्छा नहीं है, असल के अच्छा है कि वो होकर जाए उस दरबार से उनके भी। अच्छा, इलामा इकबाल के वालिद की खबर है इधर। हाँ बस ये जो कब्रस्तान है इधर है इलामा इकबाल के वालिदैन की कब्र। अस्सलाम वालिदैन वालिदैन अख्तर हज़रत इलामा इकबाल रहमत उनकी वालिदा की यहाँ पे कब्र मुबारक है, आप भी ज़्यारत कीजिए। देख सकते हैं मैं आपको दिखा, मैंने भी आज
फ़र्स्ट टाइम देखा। इब्रार ने मुझे बताया कि यहाँ पर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वालदा की कब्र मुबारक है, सो हमने भी ज़्यारत की, आप भी ज़्यारत कीजिए। चले अब चलते हैं वो दूसरी साइड पर, वहाँ पर क्या है देख सकते हैं। ये सारा शजर मुबारक का जो हिस्ट्री है, तो ये भी रास्ता है जो जाता है दरबार की तरफ। दरबार है इधर भी। अस्सलाम वालेकुम। इधर भी दरबार है। ये जी सिपासलाल हजरत सैयदना इमाम अली हर सिपासलार थे ना, शहीदान सिपासलार थे, मजार सिपासलार थे। सो ये इनका दुआ ज़ियारत कीजिए आप भी और हम भी दुआ करेंगे, फातिहा खानी करेंगे। चलो तो चले अब बाबुलेश्वर सरकार हैं जो बुतरों को दाना डालते थे मामा साहब वाली सरकार के, वो दिखाते हैं आपको। इधर ये जो दरबार है ये है हज़रत मामा अली हक के सरकार के जो कबूतर थे उनको दाना डालते थे, कहते हैं इनकी भी ज़्यादत के बगैर में जाना चाहिए, क्योंकि बस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इनकी भी दरबार पे हाज़िरी ज़रूर देनी चाहिए। चले जी अल्लाह ताला हमारी भी हाज़िरी कबूल करे इमाम अली हक़ के दरबार पे। सो हम भी ज़्यारत की है सारा, आपको दरबार मैंने बता दिया डिटेल में। सो ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो सैयदना इमाम अली हक़ सरकार दरबार की, इमाम साहब दरबार की, आपको सारे ज़्यारत करवाई। सो सियालकोट में दरबार ये, सो ये हम मोस्टली मेरे परदेसी भाई के लिए है, जो मैं आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो मिलते हैं इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।